हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे जीके करंट यूट्यूब चैनल में। आज जैसा कि 9 अक्टूबर है, तो आज मैं आपको 9 अक्टूबर के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन है आपके लिए लेके आया हूं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबल पुरस्कार 2019 किसे देने का ऐलान किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है विलियम जी केलिन, ऑप्शन नंबर बी पीटर जे रेडक्लिफ, ऑप्शन नंबर सी ग्रीग एल सेमेंजा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन तीनों को क्या किया गया है, नोबल पुरस्कार दिया गया है मेडिसिन में। तो आगे जैसा कि हम देख सकते हैं कि इनकी तस्वीर है जिनको नोबल पुरस्कार दिया गया है, और इनको सेल और ऑक्सीजन उपलब्धता के विषय पर यह पुरस्कार 3 डॉक्टरों की संयुक्त टीम को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व डाक दिवस हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारे 6 अक्टूबर, सेकंड ऑप्शन है 7 अक्टूबर, थर्ड ऑप्शन है 8 अक्टूबर, फोर्थ ऑप्शन है 9 अक्टूबर। तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9 अक्टूबर, यानी कि हर साल विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। 1969 में टोक्यो जापान में आयोजित यूपीए कांग्रेस द्वारा इसे विश्व डाक दिवस घोषित किया गया था, यानी कि इसको 1969 में टोक्यो जापान के द्वारा विश्व डाक दिवस घोषित कर दिया गया था। और इसका उद्देश्य लोगों के व्यवसाय और रोजमर्रा के जीवन में डाक की भूमिका को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत को अपना पहला राइफल फाइटर जेट RB-001 किस देश से मिला। ऑप्शन हमारे फ्रांस, जापान, रूस, श्रीलंका। तो दोस्तों, किससे मिला, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। हमारा किससे मिला है, ये फ्रांस से मिला है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 4 अक्टूबर 2019 में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन है हमारे मुंबई, दिल्ली, पुणे, लखनऊ। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, दिल्ली, यानी कि 3 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला है वो कहाँ आयोजित किया जा रहा है, दिल्ली में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन से स्थान पर है। ऑप्शन है हमारे 68, ऑप्शन नंबर बी 65, ऑप्शन नंबर सी 66, ऑप्शन नंबर डी 70। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 68, यानी कि भारत जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 68वें स्थान पर है। देखते हैं इसको, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 10 स्थान फिसलकर 68वें स्थान पर आ गया, और सिंगापुर शीर्ष पर रहा, यानी कि इस इंडेक्स में जो है सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नोबल असेंबली ने फिजिक्स में नोबल पुरस्कार 2019 देने की घोषणा की है। किसे की है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे जेम्स पीबल्स, ऑप्शन नंबर बी मिशेल मेयर, ऑप्शन नंबर सी डीडीआर क्वेलोज, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी कि नोबल असेंबली ने फिजिक्स में नोबल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है, जेम्स पीबल्स को, मिशेल्स मेयर को, डीडीआर क्वेलोज को, यानी इन तीनों को नोबल के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार देने की घोषणा की है। जैसा कि हम उनकी फ़ोटो देख सकते हैं, ये रही उनकी फ़ोटो, और इनके बारे में देखते हैं। जेम्स पीबल को भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक खोज के लिए सम्मानित किया गया। मिशेल मेयर और डीडीआर क्वेलोज को संयुक्त रूप से 100 प्रकार के तारे की परिक्रमा करने वाले 100 प्लेनेट की खोज के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15वीं विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। ऑप्शन है हमारे सिमोन बाइल्स, ऑप्शन नंबर बी लिंडा मैथिन, ऑप्शन नंबर सी सनेन मिलर, ऑप्शन नंबर डी भारद्वाज, मोनी भारद्वाज। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिमोन बाइल्स। किसने जीता, सिमोन बाइल्स ने 15वीं विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।